आपकी तो शेड्यूल में है क्लास? हाँ जी शेड्यूल में है मेरी क्लास। हाँ जी यही वाली है, इसके बाद एक और भी है मेरी। ये मैंने लगता है उसने दो डबल प्रिंट किया हुआ है, बैग से ही कर दी दूसरी क्लास, मुझे पता नहीं। एक तो 5 बजे भी है, पांच वो इधर पीछे हो, एक 5 बजे की है। नहीं ये मेरी नहीं है, इसी की 5 बजे है। अच्छा ये तो हो गया ना, इसके नीचे रख लिख लेंगे वो। आप अभी ये कर देना, ना बाद में कर देंगे। मैं भी दूसरे रूम में ना हो, 10 वाले रूम इसमें ही आते हैं। 10 वो नीचे बस, फिर वो इधर नहीं होगी। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों आप लोग में से कोई भी नहीं आया आज ऑन कैंपस क्लास लेने के लिए? मैम वो वैक्सीनेशन का कहा था कि उसके बगैर कोई नहीं आएगा, मुझे लगता है अभी वो मैसेजेस ही नहीं आए, काफी ज्यादा लोगों को तो वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक। हाँ जी बच्चों फर्स्ट डोज तो एटलीस्ट आप लोग लगवा लें, फर्स्ट तो लास्ट नहीं है ना मैम। फर्स्ट डोज के बाद हम आ सकते हैं? हाँ जी फर्स्ट के बाद आप आ सकते हैं। आपको ईमेल आई है कि फर्स्ट तो एटलीस्ट आप करवा लें। ठीक है मैम। और मैम जो पोर्टल पे क्लासरूम लिखे हैं मैम वो उसी में आना जी? जी क्या कह रही हैं मैम? जो पोर्टल में क्लासरूम, जो पोर्टल में क्लासरूम नंबर लिखे हैं मैं उन्हें में आके क्लासेस लेने हैं। बच्चों आपका इसी 304 मतलब हाँ जी उसी रूम में क्लास है, वहीं पे ही है। असल में आप में से अगर तो आप सब हाइब्रिड पढ़ना चाहते हैं, मतलब क्या कुछ कौन कौन ऑनलाइन आना चाहता है या कौन हाइब्रिड पे आना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बता दें। मैम ईमेल करके बताएं कि ऑनलाइन लेनी है या हाइब्रिड। जी बच्चों ईमेल करनी है आपको कि हाइब्रिड? नहीं वो तो ईमेल तो फिर मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाएंगी। आपका नाम क्या बेटा? मैम आयशा, मैंने ऑनलाइन देनी है। नहीं मैं आप में से कोई एक स्टूडेंट जो वॉलंटियर वो उसको सब बच्चे ईमेल कर दें और वो मुझे जो है ना वो शीट बना के फिर दे दें, क्योंकि मेरे पास इस तरह बहुत सारी जब ईमेल्स आती जाएंगी ना तो मुझे पता नहीं चलेगा किसने ऑनलाइन था और कौन हाइब्रिड था। मेरे पास एक कंपाइल डेटा होगा तो मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है मैं शीट बना दूंगी। ठीक है आयशा, आप सब स्टूडेंट्स हैं वो फिर आयशा को ईमेल कर दें या आप लोगों का जो भी ग्रुप है उसमें आप एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दें विद नेम आईडी और आप मुझे बता दो नेक्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन आना चाहते हैं, कौन से जो है वो ऑन कैंपस लेना चाहते हैं। ठीक है ऑनलाइन और ऑन कैंपस भी आप बना दीजिएगा। ठीक है और मैम सेकंडली हमारे मिड्स ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस? बेटा ये तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा, इसका तो मुझे नहीं पता अभी तक, क्योंकि ये तो हमें यूनिवर्सिटी के साथ ही लेना है, जो यूनिवर्सिटी वाले हमें कहेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है पहले अटेंडेंस ले लें बच्चों। ले ले मैम। क्योंकि अब आप लोगों का अगर इतना से उसमें ही मैं ले लिया करूँ अटेंडेंस क्लास में ही होकर इजी रहता है।
डिजाइनर भाव Excuse me, ma'am. मैम जो क्विज का आपने वाइवा लेना है उसकी डेट और बता दें कि वो कैंपस में होगा या ऑनलाइन होगा बेटा वो ऑनलाइन ही होगा क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना वो आ नहीं रहे हैं तो इसीलिए और मैम कब तक उसका बता सकते हैं हम लोग मैंने आपसे कहा आप 10th तक मुझे बता दें 10th के बाद ही होगा आप लोगों का वाइवा क्योंकि आप सबने कहा था 10th तक हमारी असेसमेंट्स हैं फिर मैं उसके बाद ही फिलवाऊंगा ठीक है मैम ओके मैम थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मैम मैंने आपको मेल की थी आपने 31st मई की जो अटेंडेंस मार्क की हुई है मेरी वो एब्सेंट है बट मैं प्रेजेंट थी अच्छा बच्चा हो जाएगा कोई इशू नहीं है मैम वो भी नेक्स्ट फिट करने पर एब्सेंट ठीक हो गए तो उसको मैं कर दूंगी एडिट कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा थैंक यू ठीक है इससे कोई इशू नहीं आएगा अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जब तक मैं लॉग इन कर रही हूँ अपना तो तब तक हम थोड़ा सा लेक्चर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर मिड लेक्चर जो होगा अपने आप होगा एक्सक्यूज मी मैम जी बेटा बोले मैम आपने 11th लेक्चर की 11th लेक्चर कब करवाया था और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है बेटा 11th लेक्चर आप देख लें वो आपका फ्री लेक्चर था वो बेसिकली सा क्विज वगैरह उसके लिए रखा हुआ था वो फ्री लेक्चर ओके ओके थैंक यू मैम और आप लोग जो मुझे 7 या 8 लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे थे वो मिस्टेकनली जो 8 लेक्चर था वो 7 एंटर हो गया था ठीक है वो इसलिए आप लोगों को उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी वैसे मैंने आप लोगों को सब रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी हुई है सेंड भी की हुई है और सेकेंडली आप लोगों के लेक्चर थे वो LMS के अपलोडेड है इसलिए मुझे ईमेल ना किया गया कि लेक्चर सेंड कर दें क्योंकि मैं आप लोगों के लेक्चर उस पर LMS पे अपलोड करती जा रही हूँ क्लियर है स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे वायरल हेपेटाइटिस को के वायरस कौन कौन से होते हैं डेफिनेशंस क्या हैं ऑन विच बेसिस वी कैन क्लासिफाई स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एपिडेमियोलॉजी डायग्नोसिस एंड द कंट्रोल ठीक है बेसिकली अगर बच्चों हेपेटाइटिस की बात करें तो एक एंशियंट डिजीज है जो कि बेसिकली 15 years ago इसको रिवील किया गया था इसको डायग्नोज किया गया था ये क्या वायरस से ये कॉज होती है एक इंफ्लेमेटरी डिजीज है जो बेसिकली जो हमारे हेपेटोसाइट्स हैं हेपेटोसाइट्स कहते हैं मैक्रोफेजेस जो कहां पर होते हैं लिवर सेल्स में होते हैं ठीक है मींस कि जो हेपेटाइटिस है वो हमारे लिवर को अफेक्ट करता है लिवर के सेल्स को अफेक्ट करता है तो इसलिए वहां पे जो हेपेटोसाइट्स हैं जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनकी नेक्रोसिस उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है ये बेसिकली नॉन न्यूक्लियर रिस्पॉन्स जो कि लिवर के आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है तो ऑब्वियसली जब आइस्टेस पे इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो एट द एंड लिवर का जो स्ट्रक्चर है वो सारे के सारा क्या होता है डैमेज हो जाता है और आपको पता है कि लिवर क्या करता है बाइल प्रोड्यूस करता है कि सारे हमारे एंजाइम्स की प्रोडक्शन लिवर एंजाइम्स का मेन रोल होता है तो इस तरह से क्या होता है कि जो लिवर की जो इसके अलावा जो RBCs की डिस्ट्रक्शन है वो भी कहाँ पर होती है लिवर में होती है ठीक है तो इस तरह से क्या होता है कि जो बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन इनकी जो सिक्रीशन होती है इंटेस्टाइन में इंटरप्टेड हो जाती है क्योंकि लिवर सेल्स क्या होने लग जाते हैं आस्ते आस्ते डैमेज होने लग जाते हैं ठीक है बच्चों अगर बिलिरुबिन की बात करें थोड़ा सा आप लोगों को इसका आइडिया है कि बेसिकली आज RBCs की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसमें ये एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज होती है तो ये बेसिकली ग्रीनिश येलो पिगमेंट होता है जो ब्लड में टिश्यूज में एक्यूमुलेट होता है कब एक्यूमुलेट होता है जब किसी को जॉन्डिस होता है अदरवाइज ये वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है ठीक है तो किसी को जॉन्डिस हो जाए तो उसकी जो स्किन और आईज वो येलो कलर की हो जाती है और बेसिकली वो बिलिरुबिन के एक्यूमुलेशन से होता है अच्छा बच्चों अब हम इसी बेस के ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं जॉन्डिस को प्री हिपैटिक में हिपैटिक में और पोस्ट हिपैटिक में ठीक है प्री हिपैटिक के मीन्स जो आउटसाइड लिवर है हिपैटिक मीन्स जो इनसाइड लिवर है और उसके बाद पोस्ट लिवर जो सेशंस होती हैं वो पोस्ट हिपैटिक में आ जाते हैं ठीक है तो इसको हम हेमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं नॉर्मल डिफिसिस में होता है एनीमिया है रेटिकुलोसाइट्स की RBCs की डिस्ट्रक्शन होती है बेसिकली RBCs की ब्रेकडाउन इसमें क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है उनकी जब ब्रेकडाउन बॉडी में ज्यादा होती है तो बिलिरुबिन भी ब्लड में क्या होगी ज्यादा होगी जितनी बिलिरुबिन ज्यादा होगी उतनी वहाँ पे
क्या होगा, टिश्यूज के अंदर क्या हो जाएगी, डेपोजिट हो जाएगी, डेपोजिशन हो जाएगी, उससे क्या करेगी, जॉन्डिस अपीयर हो जाएगा। हिपैटिक कहते हैं बच्चों, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस जो है हमारे जो लिवर सेल्स है वहां पे इफेक्ट करते हैं। फीकल फैट है, बिलिरुबिन यूरिया है, वहां पे बिलिरुबिन इतनी ज्यादा रिलीज होगी कि यूरिन में एक्सक्रीशन हो जाएगी। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो लिवर का एंजाइम है वो ज्यादा हो जाएगा, और गामा ग्लोबुलिन से प्रोटीन होती है लिवर में वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी के अगर मैक्रोफेजेस वहाँ पे ज्यादा होंगे, हिपैटोसाइट्स ज्यादा होंगे, उसकी वजह से हो सकता है। सिरोसिस है, लिवर डैमेज होने लग जाए तो लिवर की डिस्ट्रक्शन होती है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या कोई अल्कोहल अब्यूज पेशेंट है तो उसमें ये हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली नेक्रोसिस में क्या होगा कि लिवर स्ट्रीट करेगा, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जो बिलरी सिस्टम है जो बाइल प्रोड्यूस करता है बेसिकली पोस्ट लिवर, लिवर से तो रिलीज हो रही चीजें लेकिन बाद में जो फिक्सेशन है बाइल की वो पैंक्रियाज से, ठीक है, या स्प्लीन से, उसमें इसका इफेक्ट आ जाता है। क्लियर है, जिस तरह से प्री हिपैटिक होता है, पोस्ट होता है और हिपैटिक जॉन्डिस आ जाते हैं। अब इसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये कि लिवर की स्वेलिंग और टेंडरनेस होती है। जॉन्डिस जो होता है वो येलो कलर का होगा, स्किन और आईज में जॉन्डिस में डार्क रेड प्रोड्यूस होगा, और ऑब्वियसली जो लिवर के एंजाइम में ट्रांसमाइनेज होते हैं ALT और AST होते हैं, इनको हम ट्रांसमाइनेज कहते हैं, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये सब क्या हो जाते हैं, इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो बेसिकली इसमें अनरिलेटेड वायरसेस होते हैं जो लिवर को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस होती है लिवर की, और 50% जो हेपेटाइटिस ए और बी की इन्फेक्शन है वो सब क्लिनिकल होते हैं, मीन्स के साथ में कोई और क्लिनिकल इन्फेक्शन साथ उसकी वजह से भी ये वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस जो होती है एक सडन इलनेस होती है, लेकिन अगर इसका क्योर ना किया जाए, इसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो ये माइल्ड से सीवियर साइड पर जा सकती है। इसीलिए स्टार्ट में ये क्या होगा है होता है, लेकिन अगर ये सीवियर हो जाए, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो एट द एंड ये किसमें आ जाता है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस में आ जाता है। ठीक है, तो बच्चे एक्यूट की सिम्टम्स और होंगे, क्रॉनिक की सिम्टम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक्यूट जो होगा वो सिस्टेमिक सिम्टम्स है कि क्या है कि हम फ्लू हो गया, फटीक हो गया, फीवर हो गया, मसल पेन हो गए, कफ है, रनी नोज है, ये चीजें आ सकती है, लेकिन ये सब जो होते हैं वो 1 वीक और 2 वीक्स के लिए होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता तो क्या होता है, स्लोली स्लोली ये सब सिम्टम्स जो होती हैं वो क्लियर हो जाती है लीवर से, क्योंकि वायरस जब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं लीवर सेल्स के अंदर, वहां के जो हिपैटोसाइट्स के अंदर, तो उनके आहिस्ता आहिस्ता ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं, और ऑब्वियसली वो हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो वो डिफरेंट लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह से जो ALT है, AST, GGT और एल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल्स क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम उस पेशेंट का लैब टेस्ट करते हैं, LFT करवाते हैं, तो अगर ये सब चीजें हाई हो तो हमें डायग्नोसिस में इजी होता है कि उस पेशेंट को क्या है, हेपेटाइटिस है। क्रॉनिक जो होता है इसको डिफिकल्ट होता है डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन एट द एंड तब हमें पता चलता है कि इसको क्रॉनिक वायरल है, जब उसकी लिवर की क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, उसमें लिवर इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता से उसके लिवर के फंक्शन हैं वो एबनॉर्मल साइड पे जाते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि पेशेंट का लिवर बिल्कुल डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से बच्चों ये है लिवर एंजाइम्स के एलिवेशन का पैटर्न। यहाँ पे क्या हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि लिवर में होंगे। ठीक है, क्या होता है कि GGT अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अब क्या होगा कि RBCs की जब यहाँ पे क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, तो बिलिरुबिन क्या होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बिलिरुबिन प्रोड्यूस होती है, तो वहां से इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देती है, गॉल ब्लैडर में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो जो बिलिरुबिन को कंज्यूम करने के लिए जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो वो AST और ALT जो होती है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, AST को हम SGOT भी कहते हैं और ALT को हम SGPT भी कह सकते हैं, और जब उनकी नेक्रोसिस होगी तो इस तरह से वो ब्रस्ट होके सब सेल्स होंगे वो इन एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अर्ली चेंजेस हैं तो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होगा,
और अगर जब ज्यादा क्रॉनिक आ जाता है उसमें ये ज्यादा अमाउंट में आप देख सकते हैं पूरे का पूरा सेल जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम हेपेटाइटिस को 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ए इंफेक्शियस हेपेटाइटिस, बी सीरम हेपेटाइटिस, इनके सेकंड फ्लेम है सी नॉन ए नॉन बी डी डेल्टा और एच ई वी सिमिलर टू द टाइप ए। ठीक है, अब वन बाय वन बच्चे इनको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि ए क्या होता है। बेसिकली ए जो इंफेक्शियस हेपेटाइटिस है ये हम एपिडेमिक हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एच ए वी। ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिकल ओरल रूट है, पर्सन टू पर्सन ये क्या करता ट्रांसफर हो सकता है और मोस्टली ये जो कंटेमिनेटेड वाटर या इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटेशन, तो इन्फेक्टेड फूड और वाटर जो है उससे क्या है कॉमन वैक्टर है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 से 5 वीक्स होता है, मोस्टली लिवर की इन्फ्लेमेशन करता है। इसको हम इजिली सेल्फ लिमिटिंग कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें जो मोर्टैलिटी रेट जो होते हैं वो क्या होता है लो होता है। इसी तरह से इसके लिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पाइकोना वायरस है, इसकी एक ही सीरोटाइप है, इसकी सिंगल फॉर्म है, मल्टीपल फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं करता, एक सीरोटाइप है इसकी। इंटेरो वायरस जो है वो टाइप इसकी 72 है, लेकिन इसकी जो शेप जो होती है वो आइकोसाहेड्रल होती है और ये जो है SSRNA। अब बच्चों बेसिकली हेपेटाइटिस ए जो होता है इसका जो कैप्सिड होगा वो क्या होता है एंटीजेनिक होता है कि सीरोटाइप अगर हम इसको डायग्नोस करना हो इसकी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट तो उसमें हम इसके कैप्सिड को लेते हैं जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज इसमें होती है। एंटीबॉडीज इसमें जो बनती है वो सबसे पहले आपको पता है प्राइमरी रिस्पॉन्स है तो IgM एंटीबॉडीज बनती है जो विद इन वीक बन जाती है और वी आफ्टर जब वीक कम्प्लीट होता है तो ये पीक लेवल इस पे आ जाता है। IgG जो होती है वो IgM के बाद बनती है, पीक इनका 60 से 80 डेज होता है लेकिन ये परसिस्ट कर सकती है फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, इनकी लॉन्ग लाइफ होती है और इनकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होती है। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू जी क्लास कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। ठीक है, अच्छा बच्चों हमने जब इसके हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती है सबसे पहले तो आपको पता है क्या बनेगी IgM बनेगी। IgM एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसमें IgM बनेगी क्योंकि IgG जो होती है वीक के बाद बनती है। ओल्ड इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन जो है वो ओल्ड है, क्रोनिक हो गया है तो उसमें IgM नहीं होगी तो IgG बन जाएगी। और आपको पता है कि जब वायरस इंक्यूबेशन पीरियड में होता है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स कॉज नहीं करता, इन्फेक्शन नहीं कॉज करता तो इसलिए उसमें दोनों एंटीबॉडीज क्या होंगी बॉडी में नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, डायग्नोसिस यही है कि हम क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, देन जो वायरल की एंटीजन है इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, RI से, ELISA से और हीम एग्लूटिनेशन मेथड से और वायरल की एंटीबॉडीज को इन सब मेथड से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। कंट्रोल यही है कि हम अपने हाइजीन को कंट्रोल करें, सैनिटेशन को इम्प्रूव कर सकें, इम्यूनोग्लोबुलिंस के हम क्या कर सकते हैं पेशेंट्स को जो है उसको एंटी हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडीज दे सकते हैं, इसकी वैक्सीन कर सकते हैं ताकि पेशेंट को या जब भी कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये तो था हेपेटाइटिस ए। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की जिसको हम सीरम हेपेटाइटिस HBV भी कहते हैं। हेपेटीएनए वायरस होता है, इसमें DSDNA है, सर्कुलर होता है, इसमें 3200 जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, आइकोसाहेड्रल है और इसका डायमीटर जो होते हैं 42 नैनोमीटर होता है। क्लिनिकली अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हेपेटाइटिस 4 से 26 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मोर सीवियर देन द HAV और ये वायरस होता है वो क्रॉनिकली भी परसिस्ट करता है। ठीक है, इसका मोस्टली इन्फेक्शन जो होते हैं वो क्या होता है क्रॉनिकली परसिस्ट करता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए है उसमें फॉरन से पता चल जाता है कि पेशेंट की जो स्किन है या आईज हैं वो येलो होने लग जाती है। ठीक है, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि मे बी इसको जॉन्डिस हो, लेकिन जो इसमें हेपेटाइटिस बी है ये क्रॉनिकली परसिस्ट करता है। ये बेसिकली ट्रांसमिट कहाँ से होता है, ब्लड टू ब्लड से हो सकता है, पेरेंटल ट्रांसमिशन भी होती है। ठीक है, जो कि नॉन ओरल ट्रांसमिशन है इसके, और इन्फेक्टेड पेशेंट जो है किस तरह से इन्फेक्ट ट्रांसमिट करते हैं, ऑब्वियसली नीडल शेयरिंग है, कोई नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, कोई क्या हो गया अनप्रोटेक्टेड हैंड्स या ब्लड टचिंग है, ब्लड स्प्रे है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कॉन्टेजियस वायरस है जो कि क्या करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर हो
जाता है। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डेन पार्टिकल। क्या कहते हैं बच्चों? डेन पार्टिकल। डेन पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, स्मॉल प्लियोमॉर्फिक पार्टिकल्स होते हैं, टिब्यूलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेस वायल कैप्सिड्स जो होते हैं उसके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, ये चीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हेपेटाइटिस सी की बच्चों क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? डीएनए पार्टिकल है। ठीक है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज भी है, इसमें इनवेलप है, इसमें माइकोसा हेड्रेसी शेप होती है, प्रोटीन और डीएसडीएनए। अब ये क्या करेगा? डेन पार्टिकल जो होगा वो खुद को डिफरेंट फॉर्म में क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरह एक ने एच बी एस एंटीजन बना दिया, एक उसने कोर में इसको सेपरेट कर दिया, एच बी सी कहते हैं बच्चों कोर। क्या होता है? कोर इन्फेक्शन। ठीक है, कोर ये इनवेलप में आ गए तो खुद को डिफरेंट प्लियोमॉर्फिक कंडीशन में फॉर्म में क्या करता है? ब्लड में रिलीज कर देता है। और ये हम लोग ने पहले भी लेक्चर में पढ़ा है कि किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होगा तो उसको एच बी ई का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस तरह से जब उसका एच बी सी का एंटीजन है तो मे बी उसका एच बी ई का भी इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? डेन पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह से उसको थ्री डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कोर एंटीजन है, ये सरफेस एंटीजन है, और ये इसको किस फॉर्म में? इसको हेलिकल या स्पिरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही कैन प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, ये डेन पार्टिकल्स हैं, आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लेफ्ट माइक्रोस्कोपी में एनालिसिस करते हैं, इसका अगर होस्ट डिफेंस की बात करें तो हमारे पास में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल होती है, और एट द एंड क्या होता है? इंटरफेरॉन होता है। सेल मेडिएटेड जो होती है बच्चों ये रिकवर करते हैं एक्यूट फेज में, ऑटो इम्यून लिवर डैमेज हो सकता है, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए। ह्यूमरल इतनी प्रोटेक्टिव नहीं होती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम वैक्सीन दे सकते हैं एच बी एस एंटीजन की और नॉर्मल पर्सन को। इंटरफेरॉन जो होता है ये डिटेक्टेड नहीं होता ड्यूरिंग इन्फेक्शन, लेकिन इसमें एक्सोजिनस एप्लीकेशन के ऑब्वियसली आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी या सी इनका ट्रीटमेंट क्या इंटरफेरॉन है, तो हम उसको एज अ इंजेक्शन एज अ मेडिसिन एक्सोजिनसली हम उसको इंटरफेरॉन पेशेंट को दे सकते हैं। इसके हम डायग्नोसिस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कर सकते हैं बाय पीसीआर, डीएनए प्रॉब को डिटेक्ट कर सकते हैं, आरएनए जो हमारे पास रियल टाइम पीसीआर के थ्रू सीरोलॉजी कर सकते हैं, हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, एलाइजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी डायग्नोसिस है। सीरोलॉजी में आपको पता है कि हमने कहा है कि खुद को थ्री डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। बी जो होगा सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके 10 सब टाइप्स हैं, मींस कि जो सरफेस एंटीजन है उसको ही इतनी ज्यादा प्लियोमॉर्फिक है, 10 डिफरेंट फर्दर फॉर्म्स हैं। ठीक है, कोर एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और सोलिबल कोर एसोसिएटेड एंटीजन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच बी ई एंटीजन, तो इन सब के अगेंस्ट हम अगर एंटीबॉडीज हैं तो इनको हम डायग्नोज कर सकते हैं सीरोलॉजिकली। कंट्रोल इसका यही है कि हम इसकी वैक्सीन करवा सकें, पैसिव इम्यूनाइजेशन कि हम इसमें पेशेंट को एंटीबॉडीज देते हैं। ठीक है, ताकि उसको इजीली वो इससे रिकवर कर सके। देन इसकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन है कि हम उसमें एंटीजन दे देते हैं, एंटीजन ये कि उसके जो बॉडी में एंटीजन है लेकिन वो नॉन पैथोजेनिक होती है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकती, बस उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। तो पेशेंट को जब कभी इन्फेक्शन होता है तो ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। रिकम्बिनेंट डीएनए इंग्लिश, इसका ये मतलब है बच्चों कि हम जिसकी एंटीबॉडी जो एंटीजन को हम बनाते हैं वैक्सीन बनाते हैं वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है कि हम उसका जीन लेके उसको प्लाज्मिड में डालते हैं, देन उसको यीस्ट में उसके हम प्रोलिफरेशन करवाते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल एंटीजन आ जाती हैं तो उसको देन प्यूरिफाई करके उसकी वैक्सीन को ट्रांसफर कर देते हैं ह्यूमन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ये सेल्स की लाइसिस ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, और अगर सेल्स ज्यादा लाइसिस उनकी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन होने लग जाती है, तो एट द एंड क्या होता है? वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्म सेल्स जो होते हैं ऑब्वियसली उसमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो होती है वो लूज हो जाती है, वो इजिली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते सरफेस एंटीजन के साथ, उनकी डिवीजन ज्यादा हो जाती है, वो रैंडमली एग्रीगेट होने लग जाते हैं, क्लम्प्स बनाने लग जाते हैं, और वो इनवेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होता है कि जब सेल्स उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो लिवर जो कैंसर की सेल्स हैं उनमें ट्रांसमिट हो जाती हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस सी को हम एक्स सी वी या नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहते हैं।
रिजेंबल करता है एचबीवी के साथ, कैरियर स्टेट में परसिस्ट करता है और 50% जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्रॉनिक लीवर का डैमेज हो सकता है। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा भी पेशेंट्स में हो जाता है और मोस्ट कॉमन जो कैंसर जो होते हैं जो आजकल एचसीवी का है जिनको हेपेटाइटिस सी होता है वो मोस्ट कॉमन है। ये इसका स्ट्रक्चर, इसमें इनवेलप आपको ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रही है, ये इसका ब्लू में इनवेलप है जिसके ऊपर ग्रीन में उसकी प्रोटीन है, ये आपको उसका आरएनए नजर आ रहा है, ये इसका कोर है और अप्रोक्सीमेटली इसका साइज है वो कितना होता है 16 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। ये भी जो होता है ये इनवेलप होता है आइकोसाहेड्रल आरएनए वायरस होता है, ये इसको हम हेपेटाइटिस सी होस्ट वायरस भी कहते हैं क्योंकि मोस्टली मैंने आपको पहले बता दिया है जो हाफ ऑफ पेशेंट इसके इन्फेक्टेड होते हैं वो क्रॉनिक में उसको शिफ्ट कर लेते हैं और जब क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है तो उनकी लिवर सिरोसिस स्टार्ट हो जाती है, लिवर सिरोसिस के बाद उसमें आता है क्या वो लिवर कैंसर होता है और लिवर कैंसर जो होता है वो मोस्टली अनकंट्रोलेबल है क्योंकि उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या तो लिवर ट्रांसप्लांट अवेलेबल है और लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो यहाँ पर आप इस्लामाबाद से करवा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और उसके लिए बेसिकली प्रेफर ही करते हैं कि जो आपका जो डोनर है वो मोस्टली आपके फैमिली से ही हो। ठीक है, मोस्टली जो लार्ज परसेंटेज जो है वो हेपेटाइटिस की वो कौन सी होती है, हेपेटाइटिस सी की होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 6 से 8 वीक्स का होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं उनको एक्यूट में फीवर, नोजिया, मसल पेन, फटीक और ये सब चीजें हो सकती हैं। इसकी हिस्ट्री यही होती है कि सबसे पहले पेशेंट जो होते हैं वो हेल्दी उसका लिवर होगा, उसका एक्यूट इन्फेक्शन होगा, लिवर उसका क्या करेगा फिर रिकवर करने की कोशिश करेगा, एट द एंड क्या होता है क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। क्रॉनिक में 20% जो होते हैं वो क्लियर कर देते हैं वायरस को लेकिन मोस्टली 80% जो होते हैं उनका लिवर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, और सबसे जो एक्यूट वाले होते हैं उसमें 20% जो होते हैं वो सिम्टम्स को शो करते हैं और जिनका लिवर जो होता है वो क्रॉनिक में आते हैं और जो खुद के लिवर डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं एट द एंड उनको क्या होता है उनके लिवर की सिरोसिस हो जाती है, उसमें 20 से 30% रेशो है और जब लिवर डैमेज स्टार्ट हो जाए तो बाद में क्या होता है लिवर कैंसर हो जाता है और 1 to 4% पर ईयर मीन्स के जिनको लिवर कैंसर हो जाता है उनकी जो रिकवरी है बहुत मुश्किल होती है, एट एंड उसका डेथ ही होता है उस पेशेंट की। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट कर सकते हैं, एज के ऊपर बहुत बहुत डिपेंड करता है कि 30 ईयर्स है या लॉन्गर है उसमें इसके टाइम ऑफ इन्फेक्शन पे इफेक्ट करता है, क्या जब उनको इन्फेक्शन था उनका लीवर हेल्दी था, देन फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्ट होने के, 20 ईयर्स और लेस है वो डिपेंड करते हैं कि उनका क्या एनवायरमेंटल स्टेटस क्या है, क्या वो अल्कोहल ड्रिंकिंग है, क्या उनको कोई एचआईवी हेपेटाइटिस बी का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और उनका लीवर जो है वो इन्फेक्शन से पहले कितना डैमेज था। तो इस तरह से ये डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में आ सकते हैं, कबर स्लीपिंग, डिप्रेशन, ये सब जो है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उसमें स्टार्ट में जो होता है स्कूल जो होता है पेल होता है और जो स्किन की और आईज का कलर जो होता है वो येलो होने लग जाता है, लेकिन इसके जो रिस्क फैक्टर जो है मोस्टली 23% जो माइकोसिस फैक्टर है वो अनआइडेंटिफाइड है। ठीक है, इनकार्सिनेशन जो है वो 3% है, ट्रांसफ्यूजन जो डायलिसिस से है वो 4% है, हॉस्पिटलाइजेशन 6% है, ये सब फैक्टर्स का बताया है कितने परसेंट जो है वो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे पास इसके लिए मिथ्स हैं कि डिफरेंट मिथ्स बने हुए हैं कि ऐसे नहीं तो इस तरह ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो कहते हैं कि जी हेपेटाइटिस इज नॉट स्प्रेड बाय द कैजुअल कॉन्टैक्ट, स्नीजिंग, कफिंग, शेकिंग हैंड्स और इन सब चीजों से ट्रांसफर नहीं होता। तो प्रिवेंशन यही है इसकी कि हम ड्रग इक्विपमेंट को मोस्टली शेयर ना करें, सिरिंजेस को, नीडल्स को, ना टूथब्रशेस, रेजर्स और पर्सनल हाइजीन के स्पेसिफिक और जो है वो ख्याल रखा जाए, प्रैक्टिस जो है वो सेफर सेक्स करनी चाहिए क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, हम जब भी इस पेशेंट को क्या करें कि आपको टैटूइंग या एयर पियर्सिंग है तो उसके लिए न्यू और स्टेरलाइज ट्रीटमेंट जो है वो यूज करना चाहिए, ड्रग यूजर्स को जो है वो टच नहीं करना चाहिए ताकि हम इजीली इसकी प्रिवेंशन को कंट्रोलेबल बना सकें। इसकी बच्चों डिटेक्शन में वही है कि हम इसको 6 से 8 वीक्स पर डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको इम्यूनो ब्लॉटिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम इसकी वायरल एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, सरोलॉजी कर सकते हैं, आरएनए डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इनका ये ओवरऑल बच्चे इसका कंपैरिजन है ए का, बी का, सी का, हमने पीछे सारा डिस्कस किया है, ये सब उसको मैंने एक
चार्ट में एक फॉर्म इसमें आपको प्रेजेंट कर दिया है ताकि आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स है उसमें आप लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैक्सीन जो है वो अब तक इसकी अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की है। ठीक है, और उनमें सब आप सबको लाजमी लाजमी वो करवानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी को हम HBV कहते हैं, ये 35-37 वायरस पार्टिकल है, ये कोड प्रोटीन को शेयर होते हैं, इसकी HBV की तरह की होती है, इस कारण जीनोम जो होता है वो स्मॉल होता है और उसकी जस्ट वन सीरोटाइप में उसको रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसफर कैसे होता है, कंटेमिनेटेड ब्लड जो ब्लड प्रोडक्ट से ये हो सकता है, इसको हम डिपेंडो वायरस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि डिफेक्टिव होता है एंड कैन नॉट प्रोड्यूस इन्फेक्शन अनलेस द सेल इज आल्सो इन्फेक्टेड विद द HBV। ठीक है, कि जब तक किसी पेशेंट को HBV का इन्फेक्शन नहीं होगा तब तक उसको HBV नहीं हो सकता। इसीलिए जो RNA होगा वो प्रेजेंटली इसका ट्रांसमिट होता है और वो रेप्लिकेट करता है इसकी HBV की हेल्प से। ठीक है, HBS एंटीजन के अंदर वो अपने RNA को ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद उसकी जो होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाती है। क्यों, क्योंकि वो अपने जीनोम अपना यूज करता है लेकिन जो अदर प्रोटीन कोड्स है वो होंगे हेपेटाइटिस बी के होंगे। इसका कोइंफेक्शन भी हो सकता है क्योंकि दोनों जो होते हैं वो प्रेजेंटली जो होते हैं इंट्रावीनस ड्रग यूज या ब्लड ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसी तरह से हम इसका यही है कि हम आपने HBV की ऑब्वियसली अगर आपने HBS एंटीजन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवाई है तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको HBV का इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, HBV जो होता है वो क्रॉनिक HBV इन्फेक्शन पेशेंट को इजीली इन्फेक्ट कर सकता है और इसका इन्फेक्शन जब दो इन्फेक्शन है पेशेंट को तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, वो सीवियर होगा, उसमें हाई इंसिडेंस रेट होगा जिसका मोर्टेलिटी का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही है कि डोल इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली सीवियरिटी इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, फुलमिनेटिंग जो होगा हेपेटाइटिस होगा, मींस सब के सब सिम्टम्स शो हो जाएंगे, इसका लीवर डैमेज हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हेपेटाइटिस है और सीवियरली उसके क्या हो जाएंगे सिम्टम्स वहाँ पे आ जाएंगे। ये बच्चे जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है HBV इन्फेक्शन की, इसको आप लोग छोड़ दें। डायग्नोसिस यही है कि हम इसके एंटीजन के इम्यूनोप्रेसेंस RIA डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों HBV और हेपेटाइटिस ई वायरस, हम हेपेटिडाइ फैमिली से बिलोंग करता है, इसको हम नॉन ए हेपेटाइटिस बी कहते हैं क्योंकि इसकी सिमिलैरिटीज होती है हेपेटाइटिस ए के साथ। बच्चों मैंने स्टार्ट में सॉरी मिस्टेकली बता दिया था आप लोगों को कि HBV का इन्फेक्शन HAV के साथ होता है, वो बेसिकली मुझे मिस्टेक हो गई थी कि HBV का होता है HBV के साथ, बट HAV जो है हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो अपनी सिमिलैरिटीज के साथ रखते हैं हेपेटाइटिस ए के साथ, क्योंकि इसकी ट्रांसफर जो है वो भी इसका फिकल ओरल रूट है, इसको ई जो है वो इंटेरिक से इसको हम कह सकते हैं और ये एशिया इंडिया अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में क्या होता है एंडेमिक होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में होता है इसका 1-2% जो मोर्टेलिटी रेट है, इसको हम GB, इसके बाद जो हेपेटाइटिस जी वायरस है इसको हम GB वायरस सी कहते हैं, GBVC कहते हैं या इसको हेपेटाइटिस जी वायरस कह सकते हैं। ये फ्लेविविरिडाइ फैमिली से उसको बिलोंग करता है, इसमें थ्री टॉलरेंट जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं सिंगल ग्लाइकोप्रोटीन्स के, और इसके साथ साथ ये HGV और GB जो होते हैं इसको हम ब्लड डोनर्स के अंदर या जब हम जीनोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है उसकी भी फैमिली जो फ्लेविविरिडाइ है और हेपेटाइटिस जी जो है उसकी भी कौन सी फ्लेविविरिडाइ है। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं उसकी जीनोमिक सीक्वेंस जो होती है हेपेटाइटिस सी के साथ एग्जाम्पल करती है। इनिशियल पेशेंट जो होगा लेटर फाउंड टू हैव HCV इंफेक्शन, पेशेंट को इंफेक्टेड विद HIV एंड HCV सीम्स टू हैव फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। ठीक है, वो कहते हैं मेल मोस्ट प्रोबेबली के पेशेंट जो है HIV और HCV के साथ इंफेक्ट कर सकता है लेकिन उसका सर्वाइवल भी लॉन्ग हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये था आपका लेक्चर आज का हेपेटाइटिस वायरसेस के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट वायरसेस को, उनके क्या क्या सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या क्या डायग्नोसिस टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आप सबको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। जी क्लास पे प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम, नो मैम। मैम जी, मैम एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था, वो मैंने मुझे पता नहीं लगा कि आपने ईमेल तो भेजी थी लेकिन मैंने टाइम नहीं देखा, तो मैंने तकरीबन 4 से पहले ही ज्वाइन किया था, 3:55 शायद। तो कुछ और भी बच्चे जो ग्रुप में यही कह रहे थे। अच्छा,
तो अटेंडेंस का आप फिर देख लीजिएगा। मैम आपने पैटर्न में कोई और बात बताई है तो वो भी एक दफा रिपीट करते हैं। क्या रिपीट कर दो? अगर आपने स्टार्टिंग में कोई और भी बात की है मतलब कि वाइवा से रिलेटेड, ये कहा है कि आप लोगों में से कौन से स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लास में जाते हैं और कौन से हैं वो ऑन कैंपस आना चाहते हैं। आप लोगों के क्लास में आयशा सुमैया है, आप सब उनको अपना ईमेल कर दें, वो मुझे कंपाइल करके लिस्ट बना के दे देंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप सब मुझे वन बाय वन ईमेल करेंगे तो फिर मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स होती है तो हो सकता है किसी का मिस हो जाए। That's why कि आप सब आयशा को ईमेल कर दें कि आप में से कौन ऑनलाइन आना चाहते हैं और कौन ऑन कैंपस आना चाहते हैं, क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों का जो भी होगा वो फिर मुझे आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट्स हैं वो ऑन कैंपस आ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बस मैंने ये स्टार्ट में डिस्कस किया था। ओके मैम, और मैम लेक्चर नंबर 11 का, लेक्चर 11 फ्री लेक्चर है बच्चों आप लोगों का, इसलिए आज 12 पढ़ाया गया। ओके मैम, आपने लेक्चर 10 भी अपलोड नहीं किया हुआ एलएमएस पे। लेक्चर 10 जी मैम अपलोड है लेकिन पीपीटी नहीं है। पीपीटी है बच्चों? मैम वो 9-10 के फोल्डर में सिर्फ 9 है। चले मैं फिर देख लेती हूँ, मुझे यही लगा था कि मैंने उसमें 10 भी अपलोड कर दी, मैं अभी कर देती हूँ ऑफिस में जाके, ठीक है? मुझे यही था कि मे भी मैंने अपलोड कर दी, लेकिन आज का तो लेक्चर मैंने अपलोड पहले ही कर दिया और आप सब वो देख लीजिएगा। बच्चों आप लोग क्लास अगर 5 पर ही ले ली जाए तो आप लोगों को इश्यू तो नहीं रहेगा आगे? No, तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट ऑनलाइन ही आएंगे तो फिर मैं 5 बजे सबकी क्लास लेंगे आप, ठीक है? अगर ऑन कैंपस भी आना होगा तो ओके मैम, उसमें आप लोग अब पे है ये कि आप लोग किस तरह से इसको करेंगे, तो अगर सबने ऑनलाइन ही पढ़ना तो मैं सबकी क्लास 5 बजे ही ले दूंगी, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब्दुल रहमान आदिल रियाज, यस मैम प्रेजेंट। एमन नसीर प्रेजेंट मैम। आयशा हाशमी प्रेजेंट मैम। आयशा रशीद प्रेजेंट मैम। अमीरा इरफान प्रेजेंट मैम। आमना फारूक प्रेजेंट मैम। अनम असलम प्रेजेंट मैम। अकदस इकबाल अक्सा महमूद प्रेजेंट मैम। अरीबा आसिम प्रेजेंट। अरीबा जमील अरीबा जाहिद प्रेजेंट मैम। रीज आसिफ प्रेजेंट मैम। रीज तारिक अरूबा नईम प्रेजेंट मैम। अतिया अशरफ ओन अहमद प्रेजेंट मैम। आयशा मुगल आयशा सुमैया अस्का तारिक प्रेजेंट मैम। अस्का तारिक प्रेजेंट। बिनिश इसहाक बिस्मा आमिर प्रेजेंट मैम। दुआ फातिमा प्रेजेंट मैम। ईमान तोकीर प्रेजेंट मैम। ईमान अनवर फातिमा बशीर
Present, ma'am. Gulshan Saleem. Hafiza Laiba. Present, ma'am. Hafiza Rida. Present, ma'am. Hina Abbas. Hina Arshad. Hira Mehboob. Present, ma'am. Mayu Iqbal. Ikra Ahmed. Present, ma'am. Ikra Rahman. Ikra Riyaz. Isma. Khadija Sajid. Present. Khadija Akbar. Present. Present. Khadija Shakil. Khadija Zafar. Present, ma'am. Izra Ashraf. Laiba Yunus. Present. Mahnoor Asif. Mehak Mahmood. Present, ma'am. Mahad Mahmood. Maham Fatima. Present, ma'am. Maham Sadiq. Present, ma'am. Mahnoor Tariq. Present. Maruf Tahir. Present. Manahil Kashif. Present, ma'am. Manahil Kashif. Present, ma'am. Mariam Rashid. बच्चा प्रॉक्सी ना लगवाइएगा, मैंने बाद में इसको टैली कर लेना रिकॉर्डिंग्स में से, ठीक है? इसलिए सोच समझ के प्रॉक्सी लगवाइएगा। नो नो मैम, प्रेजेंट हूँ। मरियम सैफ। प्रेजेंट मिस। मुबीन तनवीर। प्रेजेंट मैम। मोमिना आसिफ। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन सरवर। मोहम्मद सरमद. प्रेजेंट. मोहम्मद जैन. नाबिया ताहिर. नूर फातिमा. नूर फातिमा. नौफ बाबर. प्रेजेंट. राबिया अली. राबिया लियाकत. प्रेजेंट मैम. राबिया सलमान. मैम राबिया अली प्रेजेंट. राबिया सलमान. रिदा जैनब. प्रेजेंट. रिजवानुल हक. प्रेजेंट. रबिया इमरान. रुबिया इमरान. सदफ इलियास. Present, ma'am. Saifa Zafar. Saira Amir. Present, ma'am. Saira Mahmood. Ma'am, my attendance miss ho gayi hai. Present, ma'am. Attendance. Saira Mahmood. Present, ma'am. Sara Ali. Present. Sara Riyaz. Vera Sajid. Present, ma'am. Reher Ahmed. Shahoon Naz. Shaila Iqbal. Sitara Arshad. Present, ma'am. Sobia Mansoor. Present, ma'am. Soha Amir. मैम इकरा रहमान की रह गई है, मिस हो गई. बेटा आई सेड एट द एंड ऑफ अटेंडेंस. सोहा आमिर. क्या बोल रही हो? आई सेड. सुंदर शाहिद. प्रेजेंट. सईदा गनवा. प्रेजेंट मैम. सईदा जुखरुफ. तहरीम फातिमा.
उष्णा नसार वर्दा फातिमा वर्दा फातिमा वर्दा फातिमा उष्णा जाहिद हुसैन यस मैम प्रेजेंट बेटा उष्णा प्रेजेंट और वर्दा प्रेजेंट यस मैम प्रेजेंट नाम क्या आपका मैम मेरा नाम उष्णा है बेटा यही पूछ रही हूँ मैं आपसे जाहिद हुसैन जैन अली जैन इफ्तिखार यस मैम जैनब इमरान प्रेजेंट जैनब महबूब प्रेजेंट जैनब सलीम प्रेजेंट मैम जीनत अनवर प्रेजेंट जोहा अहमद जोहा मैम मेरी अटेंडेंस लगा दे मेरा कनेक्टिविटी इशू था राबिया सलमान मैम मेरा भी राबिया प्रेजेंट है बट उसका माइक नहीं ऑन हो रहा तो उसकी माफ कर दें अटेंडेंस बिनिश इत्तेखाब मैम मैम हिना अर्शद भी मैम राबिया सलमान अटेंडेंस लगा दें मैम ज़ैन अली प्रेजेंट एक्सक्यूज मी मैम जी अकदस इकबाल का माइक नहीं ऑन हो रहा तो उसकी भी लगा दें वो भी क्लास में है मैम राबिया अली प्रेजेंट बेटा आपकी लगी हुई है ऑलरेडी आपकी लगी हुई है मैम नूर फातिमा मैम लग गई है सबकी लग गई नूर फातिमा की प्रेजेंट लगा दें इकरा रहमान की मैम बेटा आप सबको अभी याद आ रहा है कि अटेंडेंस लग रही तो हम मीटिंग ज्वाइन कर ले ठीक है राबिया सलमान और अकदस इकबाल आप लोगों की लग गई हुई है बिनेश की भी लग गई है जैन अली की लग गई महनूर आसिफ की भी लग गई हुई है मैम हिना अर्शद हिना आप सो रही हैं नो मैम टैली करूंगी अपनी माइक नहीं ऑन हो रहा और इसमें आप लोगों के जस्ट 15 मिनट्स की जिनकी ज्वाइनिंग होगी मीटिंग की मैंने उनकी एब्सेंट मार्क कर दी है ठीक है अभी तो मैंने आप लोगों के कहने की सबकी अटेंडेंस लगा दी है अभी मैं जाकर इसको चेक करूंगी जिनकी 15 मिनट्स की जस्ट जिन्होंने ज्वाइनिंग दी है उनकी मैंने एब्सेंट मार्क कर दी क्लियर है मैम आयशा मुगल का माइक नहीं ऑन हो रहा क्लास ज्वाइन की हुई है बेटा जिनके माइक नहीं ऑन हो रहे हैं ये भी पता चलेगा कौन कौन किसका क्या इशू है ओके बच्चों अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच आप लोग मैं लिस्ट सेंड करते हैं कि ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स आना चाहते हैं ऑन कैंपस और आप लोग प्लीज प्लीज फर्स्ट डोज एटलीस्ट अपनी वैक्सीन करवा लें ठीक है आप लोग क्या ये सोचते हैं कि इस के हम लोग अगर वैक्सीन करवा लेंगे तो ऑन कैंपस आना पड़ेगा तो बच्चों ये बात नहीं है अभी आप लोगों की फ्री में वैक्सीनेशन हो रही है कल को गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन अगर शॉर्ट हो जाएगी तो यही आप लोगों को विद ड्यूज करवानी पड़ेगी ठीक है जो फैसिलिटी अभी अवेलेबल है इसको अवेल करें क्लियर है एक्सक्यूज मी मैम जी मैम जिनकी फर्स्ट डोज हुई है वो भी आ सकता है हाँ जी वो आ सकते हैं ओके मैम थैंक यू ओके बच्चों अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच